हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक 65 वर्षीय महिला के दोनों घुटनों की सर्जरी एक ही सिटिंग में कर दी गई। मुंबई निवासी इस महिला को पिछले कई वर्षों से ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ थी। उनके घुटनों के जोड़ अकड़ चुके थे, जिससे जीवन की गुणवत्ता काफी कम हो गई थी। हाईटेक हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा ने महिला की सफल सर्जरी की। सर्जरी के तीसरे दिन से महिला वॉकर की सहायता से चलने भी लगी। सर्जरी को लेकर डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा ने अपने अनुभव को मीडिया से साझा किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक सिन्हा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स हाईटेक हॉस्पिटल। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ में मिसेज नीरू मेहता जी बैठी हैं, जिनको एडवांस स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों घुटने में हुआ था। इनका हमने सफल घुटना प्रत्यारोपण यानी कि टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट इनका किया है। अभी ये बिल्कुल पेन फ्री है, चलना फिरना इन्होंने ऑपरेशन के दो दिन बाद से ही शुरू कर दिया है। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, अगर आपको घुटनों में दर्द है तो अपने मतलब नज़दीकी डॉक्टर्स को दिखाएं, हमारे पास हाईटेक हॉस्पिटल में हैं आप। शुरुआती अवस्था में घुटने की बीमारी का जो इलाज है, आर्थराइटिस का जो इलाज है, वो सिर्फ फिजियोथेरेपी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से किया जा सकता है। अगर आपको एडवांस स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप सर्जरी से बिल्कुल नहीं घबराएं, सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप ऑपरेशन के दूसरे दिन से चलना फिरना कर सकते हैं और आपकी लाइफ जो रहती है वो बिल्कुल पेन फ्री हो जाती है। मैं नीरू मेहता, ये वैशाली नगर में रहती हूँ। मुझे 3 साल से अर्थराइटिस की बहुत प्रॉब्लम थी, मैं कुछ काम वाम भी नहीं कर पाती थी, चलने मिलने भी बहुत दिक्कत थी और इसका मैंने बहुत इलाज कराया, हर तरह के तेल अप्लाई किए, सप्लीमेंट खाए, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, मैं भिलाई में, रायपुर में, बॉम्बे में, लेकिन उससे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो फिर यहाँ पर हम ये हाईटेक के ओनर संजय अग्रवाल जी से कांटेक्ट में आए, उन्होंने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा अच्छे डॉक्टर हैं, आप उनसे मिलिए, वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। हम उनसे मिले, उन्होंने हमें बताया कि आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसका और कोई इलाज नहीं है, और हमने तुरंत ये डिसीज़न लिया और ऑपरेशन कराया और आज मैं तीसरे चौथे दिन बिल्कुल ठीक हूँ और वॉकर से चल फिर रही हूँ।